हेलो फ्रेंड्स, लव लाइक गार्डन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कॉस्मॉस के सीड्स कलेक्ट करना दिखा रही हूँ। इनको कैसे इनकी हार्वेस्टिंग करेंगे वो मैं दिखा रही हूँ आपको, ताकि जब मिट्टी में डालने का सही समय आएगा तब हम इनको फिर से ग्रो कर पाएंगे, अगर हम सीड कलेक्ट कर लेंगे तो। काफ़ी टाइम से मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए, मैंने इसको सीड के लिए छोड़ा हुआ है, सीड पॉट बनने के लिए, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, अब इनका लाइफ साइकिल ख़त्म हो गया है। रेनी सीजन से पहले मैंने इसको ग्रो किया था। ये देखिए कॉस्मॉस, काफ़ी सुंदर सा फ्लावर होता है फ्रेंड्स, ये देखिए। तो अब इनका लाइफ साइकिल ख़त्म हो रहा है और ये सीड बना रहा है प्लांट। और ये देखिए, इस तरह से मैं आपको बीच बीच में दिखा रही थी। तो अभी इनके सीड्स अगर हम नहीं कलेक्ट करेंगे तो ये अपने आप से मिट्टी में गिर जाते हैं और ग्रो भी हो जाते हैं, मगर किसी किसी के नहीं होते हैं। तो बेटर रहता है कि हम इनको कलेक्ट करके रख लेते हैं, और जब सही इनका टाइम आएगा तो इनको हम खुद से ग्रो करें तो बढ़िया रहता है। और ये कॉस्मॉस बहुत प्यारा फ्लावर है, आप देख सकते हो। और भी कलर्स में आता है ये, और ऑरेंज और पिंक, वाइट और ये येलो, चार से पांच कलर इसके होते हैं फ्रेंड्स। बहुत सुंदर लगता है, बहुत हार्डी प्लांट भी होता है फ्रेंड्स ये। इसमें कोई जल्दी खराबी नहीं आती, फंगस वगैरह भी नहीं लगता है, और बहुत ईजिली ये हैवी फ्लावरिंग करता है। तो हार्वेस्टिंग में दिखाती हूँ आपको। देखिए, इस तरह का जो पॉट हो जिसमें ये ग्रीन ग्रीन सा आपको दिख रहा है बीच में, तो इसको हमें नहीं लेना है, इसको हमें नहीं लेना है। और जो पूरी तरह से सूख गया हो उसी पॉट को लेना है। देखिए, ये मेरा एक जो प्लांट था वो बंदर फेंक गया था निकाल कर जड़ से। ये देखिए, काफ़ी प्लांट मैंने दिखाया आपको खराब किए, लेकिन इसमें ये देखिए पूरी तरह से ग्रीन नहीं दिख रहा, सूख गया है। तो इसी को हम हार्वेस्ट कर लेंगे। देखिए, बस ऐसे, बस देखिए, हल्का सा हमने बस क्रश किया और ये देखिए निकल आया। ये देखिए, ये हैं इसके सीड्स। तो अच्छे से आप इनको सूख जाने पर ही आप निकालिए। इस तरह से अगर ग्रीनरी दिखे उसमें तो हमें नहीं लेना है ये सीड्स। और अगर आप नहीं लेंगे तो ये गिर जाएंगे इधर उधर मिट्टी में भी और छत पे भी, आप जहाँ भी टेरेस गार्डन हो या आपका डाउन में हो, डाउन फ्लोर पे हो गार्डन, तो वहाँ पे गिर जाएंगे और ग्रो हो जाते हैं, बट किसी किसी के नहीं भी होते हैं। तो कलेक्ट करना अच्छा रहता है, ताकि हमें पता भी चलता है कि हमने कब इनको ग्रो किया है। और इस तरह से देखिए, ये पूरी तरह से अभी ग्रीन है, तो इससे हम नहीं लेंगे। मैंने आपको दिखाया ये भी अभी होने वाला है, लेकिन जो पॉट मैंने आपको निकाल कर दिखाया ये, तो ये अच्छे से हो गया है हमारा। निकालने के बाद हम इसको इसी तरह या किसी, इस तरह से मैंने और भी कलेक्ट किए, ये देखिए। तो किसी भी इस तरह के छोटी सी कटोरी वगैरह आप ले लीजिए और उसमें रख दीजिए, और इसको 8 दिन कम से कम इस तरह रखा रहने दीजिए, जिससे कि इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर जो होगा वो भी अच्छे से सूख जाए। और जब ये मॉइस्चर सूख जाएगा तो आपको एयर टाइट पैकेट आते हैं आजकल, वो ले सकते हैं, छोटे छोटे होते हैं ट्रांसपेरेंट, उसमें रख लीजिए। नहीं तो एयर टाइट बॉक्स ले लीजिए, उसमें रख लीजिए। और जब अभी फरवरी लास्ट होगा, मार्च से लेके आप फरवरी लास्ट से लेके आप इनको मई जून तक आप आराम से सीडलिंग कर सकते हो, और ये बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है फ्रेंड्स। तो कॉस्मॉस के सीड आपको इसी तरह कलेक्ट कर लेने हैं अभी, और उसके बाद अपना जब सही टाइम आएगा इनका, थोड़ा विंटर ख़त्म होगा ना, तब ये बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। तो आपको इस तरह से सीड इसके कलेक्ट कर लेने हैं और अपने स्टोर करके रख लेने हैं, और जब इनको ग्रो करना होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी फ्रेंड्स कैसे ग्रो किया जाएगा। और आप भी ज़रूर रखिए, जिससे कि हम ये प्यारा सा प्लांट अपने गार्डन में फिर से ग्रो कर सकें और इसकी खूबसूरती का मज़ा ले सकें, क्योंकि फ्लावरिंग बहुत सुंदर होती है इसकी। मैरीगोल्ड की तरह ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है और बहुत ज़्यादा फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है। आपने हमेशा मेरे गार्डन में देखा है, मैंने कई प्लांट लगा रखे हैं। देखिए, कितने छोटे से प्लांटर में मैंने वेस्ट में बल्कि लगा रखे, एक गमला भी इसको मैंने नहीं दिया, क्योंकि ये एक हार्डी प्लांट है, मुझे पता है, इसलिए मैंने इसको इसी में लगाया था। और देखिए कितना हाइट भी लिया है, खूब फ्लावरिंग की है। अभी तो इसमें सीड पार्ट में बना रही थी, इसलिए फ्लावरिंग कम है, क्योंकि सीड के लिए हमने छोड़ा हुआ था, और मैंने आपको समय समय बताया भी है। और उसके बावजूद अगर मैं सीड नहीं बनाती तो इसमें फ्लावरिंग खूब अच्छे से होती रही है और अभी भी होती। तो कोई बात नहीं, कुछ प्लांट तो मेरे बंदरों ने ही तोड़ दिए, ख़राब किए हैं, तो ये तो पूरी तरह से मर ही गए हैं। मगर ये जाते जाते भी, देखिए प्लांट हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते। देखिए, जाते जाते भी उसने हमें सीड दिया है और अपना फिर से ग्रो कर सकते हैं हम इसको, सीड देकर ही वो गया। तो ज़रूर लगाइए फ्रेंड्स। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।